हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ये है चैप्टर नंबर 6 लेसन 6 प्रोग्राम रशीद इंटरनेशनल। तो इस वाले चैप्टर का हम पार्ट 1 पहले ही कर चुके हैं जिसमें कि हमने ग्रामर पार्ट को डिस्कस किया था और मैंने एक आपको होमवर्क दिया था कि आपको वोकैबुलरी याद करनी है। आई होप कि आप सब ने उसे याद कर लिया होगा और अब आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। अभी तक मुझे कोई मेल नहीं मिला है लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि मैं फिर भी इस वीडियो में दोबारा एक बार बता देता हूँ कि मैं एक बार पर्सनल ट्यूशन अब शुरू कर चुका हूँ क्लासेस 6, 7, 8 के लिए, 5, 6, 7, 8 के लिए फ्रेंच की और किसी भी बुक की, स्पेशली तो 7th की। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए तो मैं कर ही चुका हूँ। तो अगर आप उसमें एनरोल कराना चाहते हैं तो मैं आपको ईमेल आईडी मेरी मिल जाएगी, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये है पार्ट नंबर 2 लेसन 6 प्रोग्राम द चेंज इंटरनेशनल। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज का एक प्रोग्राम है ये, मतलब कि इसमें अब बहुत सारी कंट्रीज से बच्चे और पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, वो आके यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी इस चैप्टर में सिर्फ हमने इतना ही देखना है। तो पहला जो जो मान लो एक तरह का होस्ट है वो कह रही है बोंजूर अतूस, मतलब कि अब यहाँ देखिए ये मेरा जो कर्सर है, बोंजूर अतूस मतलब हेलो एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड डे एवरीवन, कुछ भी इसको कह सकते हैं। बियरवेन्यू द नॉर्थ रेकॉल, मतलब कि वेलकम इन आर स्कूल। यमा पर लिया, इसका नाम लिया है, माय नेम इज़ लिया। यशस्वी फ्रांस से, अब मैं यहाँ पर सारी आपको एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ इसको वीडियो को पॉज कर करके, या फिर आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। याबीता पारी एंड फोन्स, हाँ लेकिन अगर आप ट्यूशन लेंगे तो मैं आपको प्रॉपर पूरी इसकी जो है ट्रांसलेशन आपको लिखित में प्रोवाइड की जाएगी रिटर्न। याबीता पारी एंड फ्रांस, तो पेरिस में वो कह रहे कि मैं रहती हूँ, फ्रांस में। अब यहाँ पर हमने ग्रामर में जो किया था एन, वो देखिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है फ्रांस के साथ। अब फ्रांस के साथ क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि एन हमने कहाँ पढ़ा था कि ये फेमिनिन कंट्रीज़ के साथ यूज़ होता है, रीजन्स के साथ यूज़ होता है और कॉन्टिनेंट्स के साथ यूज़ होता है। तो लेकिन ये है फेमिनिन कंट्री तो इसलिए इसको हम कहेंगे एन फ्रांस। और आ पारी क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर सिटी है पेरिस। तो ये ग्रामर की भी आपकी एक रिविजन होती जा रही है, इसलिए मैंने पहले ग्रामर कराई थी। सियाँ ग्रॉ प्लसर दैखलेयर पार्टिसिपो द प्लूसियर पई। अब इस लाइन का मतलब जानने के लिए आपको वोकैबुलरी याद करने को मैंने कहा था। प्लेसियर का मतलब यहाँ पर है प्लेशर और दैखलेयर मतलब टू वेलकम। इसका मतलब है दिस इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मैनी या सेवरल कंट्रीज। प्लूसियर मतलब होता है सेवरल कंट्रीज, पई सेवरल, पई होता है कंट्री और प्लूसियर होता है सेवरल। नो सॉम एन सेम्बल पूर द सीमे, मतलब कि वी हैव असेंबल्ड हेयर फॉर टू सीमेंस, मतलब कि 2 वीक्स। दावर नू नू प्रेजेंटो, मतलब आप अपनी अपनी इंट्रोडक्शन सभी दीजिए। दू वैने वो मैं आमी, मतलब आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं, आप कहाँ कहाँ से आए हैं, आप अपनी सारी इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। तो अब सबसे पहले कौन बोलता है, दानियल बोलता है। दानियल क्या बोलता है, सैल्यू मे आमी, मतलब कि हेलो माय फ्रेंड्स। यमापेल दानियल, अपना नाम बताता है कि माय नेम इज़ दानियल। याबीता लॉक्जमबर्ग, अब यहाँ पर AU लगा है लॉक्जमबर्ग के साथ, लॉक्जमबर्ग क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन कंट्री है और AU मैस्कुलिन कंट्री के साथ लगता है। यहाँ पर आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस भी होती जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर वो लॉक्जमबर्ग की बात कर रहा है कि वो वहाँ पर रहता है। मो पैर त्रवाइल आर रोम एंड इताली, ठीक है। तो वो कह रहा है उसके पापा जो हैं वो रोम में रहते हैं, इटाली में। रोम सिटी का आ गया इसलिए ए लगा हुआ है, इटाली। एक तो ये फेमिनिन भी है और दूसरी बात ये वोवल से शुरू हो रही है,
तो दोनों बातें इसमें आ गई हैं, इसलिए इसमें एन लगा हुआ है, ई एन। यपाल ब्लै फ्रांस से ए ओंगले, कि वो बिया फ्रांस से ए ओंगले, कि वो जो है डैनियल वो बहुत अच्छे से गुड फ्रांस से मतलब फ्रेंच भी बोल सकता है और ओंगले मतलब इंग्लिश भी बोल सकता है, इंग्लिश एंड फ्रेंच में वो बिल्कुल प्रोफिशिएंट है स्पोकन में। तो यपाल अप्यू ओकिता, ओकिता एक अलग लैंग्वेज का नाम है, कि एक अलग देश की लैंग्वेज होती है, और वो कह रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी सी ओकितन भी बोल सकता हूँ। बॉन सेशू रतूस, मतलब कि गुड डे या फिर एक तरह का जो है वो सैल्यूटेशन बोल रहा है कि हेलो एवरीवन या बो गुड डे एवरीवन सबको। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसकी, सुजन की। सैल्यू वो कहते हैं हेलो, जमाबल सुजन, माय नेम इज़ सुजन, यवियन वियतनाम, आई हैव कम फ्रॉम वियतनाम। अब वियम मतलब कि हम पहले ही से कर चुके हैं वियन, वेनीर का वियंस हमने उसका पढ़ लिया था पहले से ही जो है, मैंने आपको कॉन्जुगेशन बता दी थी ग्रामर, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रामर की यहाँ पर यूज़ होंगी, इसलिए मैंने ग्रामर पहले पार्ट में अब कराई। तो वो कह रही है आई हैव कम फ्रॉम वियतनाम, यस्वी वियतमियन, वियतनामियन। अब यहाँ पर ये भी ग्रामर का यूज़ हो गया, कंट्री में कैसे आप लिखते हैं कि वियतनामीन है। मा फामिल हाबीता हानोई मास, अब ये कह रही है कि हानोई में जो है सिटी का नाम है, वहाँ पर उसके जो फैमिली है वो रहती है। मे मतलब कि बट, यबी दो ओबर्ज द जनीज अलोंद्र एंड ओंगलटेर, अब वो कह रहे हैं कि वो कहाँ रहती है। या बीत दो मतलब कि आई लिव इन, यून मतलब वन, ओबर्श द जूनीज मतलब कि ओबर्श क्या होता है हॉस्टल, द मतलब ऑफ, जूनीज मतलब कि यूथ, इसका मतलब होगा यूथ हॉस्टल या यंग चिल्ड्रन के लिए जो हॉस्टल होता है उसे कहते हैं ओबर्श द जूनीज। अलॉन्द्र मतलब कि इन लंडन, इन ओंगलटेर मतलब इन इंग्लैंड। यपाल बिया फ्रांस से, यपाल अप्यू ओंगले एस्पिनॉल, वो कह रहे हैं कि मैं मतलब फ्रेंच भी बोल सकती हूँ, वो कह रही है सुजन कह रही है कि आई एम गुड एट फ्रेंच स्पोकन फ्रेंच, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी सी, प्यू मतलब होता है कि पी ई यू, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है छोटा, लिटल। ओंगले मतलब इंग्लिश एंड एस्पिनॉल मतलब स्पेनिश। अब आगे चलते हैं हम बोरिस पे, बोरिस भी यही कहता है सैल्यू है तूस मतलब कि हेलो एवरीवन, जमापेल बोरिस, अपना नाम बताता है। यवियां दे सेनेगाल एक कंट्री का नाम है, यस्वी सेनेगला सेनेगलेस, ये भी एक जो है आपकी ग्रामर से ही आ रहा है कि सेनेगाल है तो उसको कैसे लिखेगा, वो सेनेगलेस लिखेगा। शबीत दकार, शबीत दकार, वो कह रहे हैं दकार में रहता हूँ अब, आ ये सिटी का नाम है दकार, और ड्यू सेनेगाल इसलिए लिखा क्योंकि फ्रॉम की बात हो रही है, ऑफ की बात हो रही है, इसलिए इसने आर्टिकल ड्यू का द का जो है इसने यूज़ किया है। आदकार का मतलब हो गया यहाँ पर कि सिटी की बात हो रही है, सेल कैपिटल ड्यू सेनेगाल, कि ये दिस इज द कैपिटल ऑफ सेनेगाल, सेनेगाल की कैपिटल है दकार। यरगार्ड लेफिन्स फ्रांस से, वो कह रहा है कि मैं रिगार्ड करता हूँ जो फ्रेंच फिल्म्स होती हैं वो मैं देखता हूँ। वो कह रहे हैं जादोर पारी, कि आई एडोर पैरिस मतलब आई लव पैरिस, बहुत ज़्यादा लव करता है वो पैरिस को। सैल्यू यमापेल क्लारा, क्लारा आ गई है, एक और लड़की का नाम आ गया है यहाँ पर, आई होप कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, मैं इसको और भी क्लियर आपके लिए कर देता हूँ, शायद मेरा कैमरा यहाँ पर आ रहा होगा। तो सैल्यू यमापेल क्लारा, यस्वी बेल्ज, अब वो बेल्ज को कह रही है क्योंकि वो बेल्जियम से है और बेल्जियम वाले जो हैं बेल्ज कहते हैं। यहाँ पर आपको मैंने ग्रीस का उसमें बताया था कि ग्रीस का क्यू यू ई वाला आपको करना है, एक आपको बेल्ज भी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी आप अभी मार्क कर लीजिए। बेल्जिक, यवियां द बेल्जिक, वो कहती है कि मैं बेल्जिक से आई हूँ, बेल्जिक मतलब बेल्जियम। मे मे एम ए आई एस होता है बट, बी यू टी बट। यत्यूदी ओ इतात्स्यूनी, यत्यूदी ओ इतात्स्यूनी मतलब कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में स्टडी करती हूँ।
यूनाइटेड स्टेट्स है तो एक ही कंट्री है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, प्लूरल मानते हैं हम इसको। ये हमने एक्सेप्शंस में कल पढ़ा था, मतलब पहले वीडियो में पढ़ा था पार्ट वन में, उसमें मैंने एक शायद गलती से बोल दिया था कि कुछ प्लूरल होती है लेकिन उन्हें सिंगुलर मानते हैं, उल्टा बोल दिया था मैंने। लेकिन वो होती ही है कि जो सिंगुलर चीज़ें हैं उन्हें हम प्लूरल मानते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, इसलिए हम AUX ही लिखेंगे, AU नहीं लिखेंगे उसमें। यावीत वेक मा सर आ न्यूयॉर्क, वो कहता है कि कहती है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ न्यूयॉर्क में रहती हूँ। आ है मतलब कि ये सिटी की बात हो रही है, न्यूयॉर्क सिटी है। सॉ मारी ए अमेरिकन, उसकी जो हर हर मारी ए अमेरिकन, उसकी जो फ्रेंड है या उसकी जो मेट है वो उसके अमेरिकन है। बोंजूर शे मपेल आल्डो, एक लड़का है आल्डो। शबीत नाल में आलेमैन, अब ये जर्मनी का है, जर्मनी को आलेमैन बोलते हैं। यस्वी आलेमोन, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ई एन लगा हुआ है, सिर्फ इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है कि आलेमैन है तो इनके साथ कैसे, क्यों नहीं ई एन लगा है, ये एक दो फेमिनिन की बात है। और दूसरी बात क्या है इसमें, वॉवल भी लगा हुआ है। तो यशवी आलेमा मो पैर ए ओसी आलेमा एम मो मैर ए फ्रांसे, तो ये कह रहा है कि मेरे जो पापा हैं वो भी एलेमैन है, मतलब कि जर्मन ही है, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो फ्रेंच है। अब आगे चलते हैं, लास्ट हमारा जो है ये एक लड़की है सानिया, ये इंडियन है। बोंजूर शे मपेल सानिया जवियां देन दे, मतलब कि आई एम फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर डी अपॉस्ट्रोफी लगा है क्योंकि INDE में आई वॉवल आता है, DE साथ में उससे नहीं लग सकता, एक ई है एक आई है, दोनों वॉवल हैं, दोनों साथ में कभी भी नहीं आ सकते, इसलिए बीच में ई को काट के हमने अपॉस्ट्रोफी डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे, तो दिन दे यशस्वी इंडियन, ये भी आपका ग्रामर में से आ जाएगा कि इंडियन है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि इंडियन है। यभी तो न्यू दिल्ली, अब ये आ न्यू दिल्ली क्योंकि सिटी है न्यू दिल्ली, या फिर एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो इसलिए उसको आ लिखेंगे, जैसे न्यूयॉर्क है तो आ लिखा। सेला कैपिटल द लैंड, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दिन क्यों लिखा, क्योंकि ऑफ द इंडिया, या फिर ये इसको एक कंट्री के नाम पे एक्सप्रेस कर रहा है, वहाँ पर कोई आर्टिकल का इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वो वहाँ से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ रहा है, वो न्यू दिल्ली का ताल्लुक इंडिया से जोड़ रहा है, ना कि अपना कि भी मैं इंडिया में रहता हूँ या मैं इंडिया में ये करता हूँ। तो अगर किसी और चीज़ का वहाँ पर वो करेगा तो द लेंथ लिखेगा। ये पार थ्रू अ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, कि वो तीन तरह के लैंग्वेजेस को बोल सकती है, हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच, जैसे कि अब आप भी बोल सकते हैं। अब इन पे चलते हैं हम, इनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर मार्क मैंने किए हुए हैं, आपको मैं मार्क करा देता हूँ, आप कर सकते हैं। कोम्बिया द लॉन्ग वे सान्या पार्ल, ये यहीं पर आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सान्या पार्ल, सान्या से यहीं से शुरू होगा, सान्या जहाँ पर मेरा कर्सर है आप ध्यान दीजिए, सान्या पार्ल, फिर यहाँ पर आ जाएगा थ्रू आ लॉन्ग वे, यहीं कोलन, हिंदी ऑंग्ले ए फ्रांसे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऊ हबीत सूजन, अब सूजन कहाँ थी, ये रही। अब सूजन पहले लिखेंगे सूजन, फिर आएगा सूजन हाबी दो इन ओबर्श द जुनेस आ लॉन्द्र एंड ऑंग्लेटेर, वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए पहले, फिर इसे देखना चाहिए। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए मेरी माने तो, आप एक कॉपी लीजिए, वहाँ पर अपने सारे आंसर्स को नोट कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन कीजिए। अगर आपको बिल्कुल टेस्ट वाइज करना है, आप बिल्कुल, ये भी एक आपकी तरह ट्यूशन ही है, इसमें भी अगर आप बिल्कुल ध्यान से देंगे तो ट्यूशन की तरह ही हो जाएगा सारा कुछ, इसको आप नोट करते जाइए, उसके बाद वीडियो को दोबारा ऑन कीजिए, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ वहाँ पर, आप जो जो गलतियाँ उसको देखते जाइए या फिर टिक करते जाइए, और आप अपने कमेंट्स में अपने मार्क्स भी शेयर कीजिए मेरे से कि आपके कितने 10 में से कितने मार्क्स आए, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल इसका आंसर।
फिर चलते हैं ऊ एत्यूदी क्लारा। अब क्लारा कहाँ पढ़ती है, हमने अभी पढ़ा है क्लारा एत्यूदी। अब यहाँ पे यत्यूदी नहीं आएगा क्योंकि क्लारा की बात कर रहे हैं हम, यत्यूदी तो हो गया मैं और क्लारा हो गई ईशी या इल एल, तो क्लारा एत्यूद और एतात्स यूनिस ये आ जाएगा थर्ड का आंसर। मुझे पूरा होप है कि आपने यही लिखा होगा, अगर आप वीडियो पॉज कर चुके हैं पहले तो। कैस का बोरिस अदो, अब ये आपको खुद इसका आंसर मुझे देना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा सा वन वर्ड आंसर है और ये आप खुद देंगे मुझे कमेंट्स में। नहीं आएगा समझ तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा या कमेंट्स में बता दूंगा। कम्प्लते आवे कंदे मोत यूटेक्स, मतलब कि एक या वन और मोर वर्ड्स। कम्प्लते आवे मतलब कंप्लीट विद, क्योंकि अभी से आपको क्वेश्चन भी पढ़ना आना चाहिए। अगले क्लास में जाओगे या अभी से भी आपको कोई वो नहीं बताएगा, वहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं देगा, क्वेश्चन फ्रेंच में ही आएंगे। कॉम्प्लेटे अवैक आ दे मोट्स ड्यूटेक्स, तो डैनियल हबीत। अब डैनियल कहाँ पर रहता है, डैनियल के उसमें जाएंगे हम सबसे पहले। ये रहा डैनियल, वो कह रहे थे ओ लग्जमबर्ग। अब क्या लिखेंगे, डैनियल हबीत ओ लग्जमबर्ग। डैनियल हबीत लिखा हुआ है वहाँ पर, हमें लिखना है ए यू और लग्जमबर्ग। यहाँ पर आपकी ग्रामर की भी एक तरह से वो हो रही है प्रैक्टिस, जैसे एक्सरसाइज। एक्सचेंज इंटरनेशनल एपोर्ट डैश सीमेंस, ये बहुत ही इजी सवाल है, सेकंड मैं आप पर छोड़ रहा हूँ इसे, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एक इसका डी पार्ट और इसका बी पार्ट। सानिया ए इंडियन, ये आपको पता लग गया यहाँ पर दिया हुआ है। लमेर द ओल दो ए, लमेर द ओल दो ए फ्रांसे यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए फ्रांसेज ई लगेगा क्योंकि उसकी मम्मी की बात हो रही है और वो फेमिनिन है। ला कैपिटल दू सेनेगाल ए दाका, दकारा जो भी है यहाँ पर, ये दकार कैपिटल दू सेनेगाल ए। अब यहाँ पर आ दकार नहीं लिखना है क्योंकि इस की बात हो रही है, और मैंने पहले भी बताया जब किसी और चीज़ को किसी कंट्री या सिटी से बात करेंगे तो दूसरे आर्टिकल का ही यूज़ होगा, कोई इसमें आ और दू का यूज़ नहीं होगा। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगा। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे पार्ट 3 में, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट का आंसर है दकार, ए दकार आएगा बस। EST दिया हुआ है फिर TAKAR। तो ये था हमारा पार्ट नंबर वीडियो का, मतलब वीडियो नंबर 2, पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, फ्रेंच क्लास 7 EDs बुक 2 का। इसमें कोई भी डाउट है या तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, आप कमेंट ही कर सकते हैं। वैसे तो मेल में आपको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, इसलिए आप कमेंट्स में ही जो भी अपनी क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं इसी भी की रिगार्डिंग। और टिल देन थैंक यू, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।